प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और आपको बता दें कि यह ग्रीनलैंड आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? अगर आपको आंसर पता है तो अपने आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। और आपको बता दें कि किसी किसी नोट्स में ग्रेट निकोबार को भी भारत का सबसे बड़ा द्वीप माना गया है, लेकिन मध्य अंडमान का जो क्षेत्रफल है वो ग्रेट निकोबार से ज़्यादा है, तो मध्य अंडमान ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वीपों की सर्वाधिक जनसंख्या किस महासागर में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश सबसे ज़्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए, और आप जितने प्रश्नों का आंसर दे सकते हैं देने की कोशिश कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा द्वीपों से मिलकर बना है। और आपको बता दें कि यह 17,508 द्वीपों से मिलकर बना है, तथा इसकी राजधानी अब जकार्ता नहीं है, नुसंतारा है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी थी, लेकिन अब नुसंतारा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहा जाता है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहते हैं। और आपको बता दें कि हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच है, तथा इसे जेम्स क्विक ने 1778 ईस्वी में यह नाम दिया था। आप चाहें तो जानकारी को नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरीय द्वीप नहीं है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मालागासी या फिर मेडागास्कर। और आपको बता दें कि मालागासी मेडागास्कर द्वीप का ही प्राचीन नाम है, और यह दक्षिण पूर्व अफ्रीका के मुख्य भूमि से कुछ दूर हिंद महासागर में स्थित है। तो आप चाहें तो जानकारी को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसलैंड को अग्निद्वीप के उपनाम से भी जानते हैं, और यह यूरोप महाद्वीप में उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की राजधानी टोक्यो निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, होंसु द्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय कहलाता है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जावा द्वीप इंडोनेशिया का हृदय कहलाता है। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान का नागासाकी नगर किस द्वीप पर स्थित है? ऑप्शन देकर आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागासाकी नगर क्यूशू द्वीप पर स्थित है। और आपको बता दें कि जापान का हिरोशिमा नगर होंसु द्वीप पर स्थित है, और ये नागासाकी और हिरोशिमा ये दोनों वही नगर हैं जिन दो नगरों पर 1945 में अमेरिका ने बम गिराए थे। आप चाहें तो जानकारी को नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहरीन को एक द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो इम्पोर्टेंट लगे उसको आप लिख लीजिए। और इससे पहले हमने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं अलग अलग टॉपिक पर, तो आप उनको देख सकते हैं। धन्यवाद, पढ़ते रहिए, अच्छी तैयारी कीजिए, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए।